हेलो एवरीवन, आज हम लेके आए हैं आपके लिए, अगर आप RDPV सेकेंड सेमेस्टर में हैं और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो कि बहुत जल्द ही आने वाला है आपका एग्ज़ाम, थ्योरी एग्ज़ाम के लिए बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग, अगर आप BTech कर रहे हैं RDPV से, तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर इसी तरीके के और वीडियो आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है, और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनके सारे वीडियो जो हैं आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग एक्चुअली मिला जुला सिलेबस होता है, जिसमें हम कंप्यूटर नेटवर्क भी पढ़ते हैं, थोड़ा सा MS ऑफिस भी पढ़ते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम भी पढ़ते हैं, है ना। तो ये जो मिला जुला रूप है जो सबके लिए कॉमन होता है, इसके लिए आपको C++ भी पढ़ना है अलग से, तो ये आपको वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जैसे कंप्यूटर नेटवर्क की मिल जाएगी आपको, आपको मिल जाएगी C++ की मिल जाएगी, कंप्यूटर फंडामेंटल की मिल जाएगी, तो सारे आंसर भी हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं, तो उन प्लेलिस्ट को ज़रूर वॉच कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। अब मैंने इसमें ऑब्लिक कर करके डाला हुआ है कि मेमोरी का क्लासिफिकेशन भी आ सकता है, कंप्यूटर का भी आ सकता है, सॉफ्टवेयर का भी आ सकता है, कितने तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी प्रोग्राम, लैंग्वेजेस क्या होती हैं, हाई लेवल लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, असेंबली लैंग्वेज क्या होती है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से डायरेक्ट पुटअप तो नहीं होगा, लेकिन आपको थोड़ा बहुत घुमा फिरा के बोलेंगे, जिसमें ये मतलब ज़रूर निकलेगा कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बताइए, या टाइप्स ऑफ मेमोरी बताइए, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर बताइए, टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस बताइए। तो ये कंप्यूटर फंडामेंटल का एक क्वेश्चन है, तो पढ़ के जाइए, पता भी होना चाहिए अगर हम BTech कर रहे हैं तो। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन बस आर्किटेक्चर। थोड़ा सा RDPV का ये रहता है कि वो क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, लेकिन उसका मूल मंत्र यही निकलेगा, ठीक है। तो एक्सप्लेन बस आर्किटेक्चर, कितने टाइप की बस होती हैं वो आपको समझाना है, कैसे काम कर रहा है कंप्यूटर में बस आर्किटेक्चर वो आपको समझाना है। एक्सप्लेन ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, या कंप्यूटर कैसे काम करता है, है ना, आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर ये पूछ सकते हैं, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर पूछ सकते हैं। शॉर्ट नोट ऑन रिमोट सेंसिंग एंड GIS, वॉट आर द प्राइमरी फीचर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट फॉर जनरेटिंग प्रेजेंटेशन। तो MS ऑफिस में आपको MS वर्ड भी पढ़ना है, पावर पॉइंट भी पढ़ना है आपको, और MS एक्सेल भी करना है, तो बेसिक है कंप्यूटर का, आना ही चाहिए सबको, तो पढ़ के जाइए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में मेल मर्ज कैसे होता है पढ़ के जाइए, उसमें MS एक्सेल में किस तरीके से हम ग्राफ बनाते हैं वो सब पढ़ के जाइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन से क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन डिफरेंट सर्विसेज या फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 8, कंपेयर एंड कंट्रास्ट प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, C++ पढ़ेंगे क्योंकि आप बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, और C++ जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सप्लेन इन C++, अब क्या आ सकता है C++ में, डेटा टाइप्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, है ना, प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या है, डिराइव डेटा टाइप क्या है, टोकन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, लूप क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, एरे क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, फंक्शन क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, कॉल बाय वैल्यू क्या है, कॉल बाय रेफरेंस क्या है, तो इस पे ऐसा क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9 में पूरे टॉपिक आपको पढ़ना है, C++ है तो अच्छे से सीख कर लीजिए, ताकि आपको आगे आने वाली लैंग्वेजेस में दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऊप्स, जो 7 कैरेक्टरिस्टिक होती है, ऑब्जेक्ट क्लास पॉलीमॉर्फिज्म इनहेरिटेंस वगैरह वगैरह सब आपको यहाँ पे समझाना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, डिफरेंस बिटवीन फंक्शन ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरराइडिंग। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज फ्रेंड फंक्शन, व्हाई वी नीड फ्रेंड फंक्शन। जितने भी कीवर्ड हैं C++ में वो सब आपको पढ़ना है ना, तो कीवर्ड आप छोड़िए नहीं, वो भी पता होना चाहिए, वाइवा में पूछते हैं, इंटरव्यू में पूछते हैं, तो जितने भी कीवर्ड होते हैं किसी भी सब्जेक्ट के वो सब आपको पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज इनहेरिटेंस इन C++, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनहेरिटेंस आता ही आता है, 90% चांसेस इसके रहते ही रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, डिस्कस द वेरियस सोर्स ऑफ एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी सच एज टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, बिगो नोटेशन किस तरीके से किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ के जाइए। क्वेश्चन नंबर 16, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द ISO OSI मॉडल एंड TCP/IP मॉडल।
तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, ISO के बाद OSI आना चाहिए, वो भी कैपिटल में है ना, तो OSI पर आइए। आपने OSI मॉडल में आपने 7 लेयर पढ़ी हैं, जो वहाँ पे आपको अलग से भी पूछ सकते हैं कि OSI मॉडल को समझाइए या TCP/IP मॉडल को समझाइए, और इसमें दोनों में क्या क्या अंतर है वो भी पूछ सकते हैं। तो पूरा डायग्रामेटिकली कौन सी लेयर किस में प्रेजेंट है, किस में नहीं है, किस तरीके से काम हो रहा है, आपको यहाँ पर समझाना है। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कंप्यूटर नेटवर्क का पार्ट, आगे और आगे भी यदि BTech CS के बच्चे कंप्यूटर नेटवर्क तो पढ़ेंगे ही, तो इसमें ये जो पार्ट है आपका ISO OSI मॉडल हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहेगा, तो अच्छे से यहीं पे सीख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग टोपोलॉजी, बस, रिंग, स्टार, मैश, ये सब आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क का। क्वेश्चन नंबर 18, डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी सच एज राउटर, स्विचेस इन सपोर्टिंग कम्युनिकेशन विद इन द इंटरनेट वर्क। तो यहाँ पे बेसिकली वो हमसे कनेक्टिंग डिवाइस के बारे में जानना चाह रहे हैं, जो हम पढ़ते हैं ब्रिज, हब, स्विच, राउटर, तो सबको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 19, डिस्क्राइब द फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी एज वेल एज सेवरल टाइप्स ऑफ मालवेयर, तो एक सिक्योरिटी से रिलेटेड मालवेयर जो है आपको कितने टाइप्स के होते हैं, ट्रोजन हॉर्स क्या होता है ना, तो ये सब आपको पढ़ के जाना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि क्या क्या होता है, किस में क्या होता है, फिशिंग क्या होता है, वगैरह वगैरह, तो ये फंडामेंटल है कंप्यूटर सिक्योरिटी का, तो पढ़ के जाना है, इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर भी। क्वेश्चन नंबर 20, डिस्क्राइब डिनायल ऑफ सर्विस अटैक एंड लॉजिक बॉम्ब, राइट, डिनायल ऑफ है और नहीं है, वो टाइपिंग मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 21, डिस्क्राइब द इंडिपेंडेंस, डेटा इंडिपेंडेंस एंड DBA, डेटा इंडिपेंडेंस, डेंट नहीं, इंडिपेंडेंस एंड DBA। क्वेश्चन नंबर 22, राइट शॉर्ट नोट ऑन डेटाबेस लैंग्वेजेस, तो कितने तरीके की डेटाबेस लैंग्वेजेस है, डेटा मैनी DML, DCL, सबको यहाँ पे आपको समझाना है, राइट। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ एग्ज़ाम की टिप्स जो हमेशा देती रहती हूँ मैं, सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को आपको अच्छे से पढ़ना है ना, ओल्ड क्वेश्चन पेपर को रिव्यू करके जाना है, ताकि आप टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर सकें, किस तरीके का पैटर्न रहता है, कितने नंबर्स का आता है ना। RGPB ओल्ड क्वेश्चन पेपर हम अपलोड करते ही रहते हैं, और आपको वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे, कई वेबसाइट पर अपलोडेड रहते हैं, राइट। और सबसे अच्छा क्वेश्चन जो आपको आता है वो आपको पहले अटेम्प्ट करना है ना, और क्वेश्चन का जो नंबर है बहुत ध्यान से करना है, कोशिश कीजिए कि नीचे से स्टार्ट ना करें आप नया क्वेश्चन, बल्कि न्यू पेज से हमेशा स्टार्ट करें, डायग्रामेटिकली समझाएं किसी भी चीज़ को, अगर थ्योरी आता है उसको, अगर उसमें डायग्राम बनाना पॉसिबल है तो, राइट। और यदि प्रैक्टिकल आता है, मतलब कि आपको लैंग्वेज का क्वेश्चन आता है, तो आप उसमें जो एग्ज़ाम्पल है कोई भी, जैसे C++ है अभी बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, तो प्रोग्राम के थ्रू आप उसको एक्सप्लेन कीजिए, राइट। और बस टाइम मैनेजमेंट करिए, अच्छे क्वेश्चन आएंगे, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। खाली कॉपी पे मार्क्स नहीं मिलेंगे, उससे रिलेटेड जितना आ रहा है, जो भी आ रहा है, सब लिख कर आइए। तो आ चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 पे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लाउड कंप्यूटिंग, डिस्क्राइब क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इन डिटेल। तो CS वाले तो क्लाउड कंप्यूटिंग आगे भी पढ़ेंगे एज अ सब्जेक्ट, क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत ही हॉट टॉपिक है इस समय, क्लाउड कंप्यूटिंग का बेसिक, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, कितने तरीके के क्लाउड होते हैं, आस पास क्या होता है, ये पूरा आपका लास्ट यूनिट में है, उसको पूरा टॉपिक पढ़ के जाइए, बहुत अच्छा, बहुत ईजी है ना, तो पूरे टॉपिक वो पढ़ के जाइए, कोई सा भी क्वेश्चन वहाँ पर आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 24, एक्सप्लेन डिफरेंट क्लाउड मॉडल आ सकते हैं, क्लाउड सर्विसेज आ सकते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 25, शॉर्ट नोट कंप्यूटर एथिक पे, साइबर लॉ, गुड कंप्यूटर सिक्योरिटी हैबिट्स, डेटा डिक्शनरी, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, और जितने भी कीवर्ड आपको दिख रहे हैं वहाँ पर, है ना, अपने सिलेबस में, वो सब पढ़ के जाइए, शॉर्ट नोट में आ सकते हैं। तो इस वीडियो में अभी इतना ही, अगर आप इसी तरीके के और वीडियो देखना चाहते हैं, वैसे तो अपलोडेड हैं ही, CS के तो बहुत सारे अपलोडेड हैं, जैसे कि डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, C++, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो हमारे चैनल पर हैं, प्लेलिस्ट भी अपलोडेड हैं सारे सब्जेक्ट की। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बच्चों। अभी के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग ज़ीनत हसन एकेडमी।